सो हेलो गाइस, गाइस मैं समीर और आ गया हूँ तुम्हारा भाई एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। गाइस आज का हम रिएक्शन करने वाले रफ्तार बाजी का एक सॉन्ग हो चुका है काफ़ी टाइम बाद। रफ्तार बाजी का शायद ये फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा सॉन्ग के अंदर सलीम मर्चेंट के साथ, क्योंकि शायद उनका एक सॉन्ग आया था वो शायद उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करा था। इस रफ्तार बाजी और सलीम मर्चेंट का पहले भी एक सॉन्ग बना था, जो सॉन्ग नहीं था शायद उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया था दोनों ने साथ में, लेकिन ये शायद एक सॉन्ग काफ़ी टाइम बाद रफ्तार बाजी का आया है तू फिर से आना, और उसके अंदर कर्मा भाई भी फीचरिंग कर रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला। और ये सॉन्ग गाइस बारिश ईपी का, बारिश ईपी का कुछ अभी लिस्ट तो वो आई नहीं है, लेकिन उनका एक ही सॉन्ग रिलीज हुआ था माइक्रोफोन चेक बारिश ईपी का था। सो गाइस ये सॉन्ग सुनकर पता चला सॉन्ग कैसा, मेरे को देखने से तो ऐसा लग रहा काफ़ी इमोशनल और एक तरीके से ब्यूटीफुल सॉन्ग है अगर देखा जाए तो, हार्ट टचिंग टाइप का। और गाइस रफ्तार बाजी के इंस्टाग्राम पोस्ट से दिख ही रहा था कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं सॉन्ग से। सो गाइस ये सॉन्ग सुन के पता चला, गाइस रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल दूँ कि हम कर रहे हैं 10 एप्पल एयरपॉड्स प्रो ओजी वर्जन का गिव अवे। सो वो गिव अवे में एंट्री कैसे लेनी आपको वीडियो का एंड बताऊंगा, तो गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। और गाइस एक और चीज़, जो जो चैनल पर नहीं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाओ, क्योंकि गाइस हमारा टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर्स का। गाइस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। सो गाइस मेरे टाइम का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कलमकार प्रेजेंट्स, वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस। पक्का मैसेज है, पक्का मैसेज। अवतार फीचरिंग सलीम मर्चेंट कर्मा। सलीम मर्चेंट भाई, दिस नीड्स टू बी स्टॉप। ओ भाई साहब, हार्ट टचिंग वीडियो। चले जो पुस्तकों से दूर, पल पे जिस समीप है उस समीप है, माँ भी मज दूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाव दो छिलेंगे, चुप धूल में मिलेंगे, जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला, एक भरम में जीता वो कि कब गर्म हो एक तबा, किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक तबा, पिता सभा में खुश था एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम बालिका का जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके, तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाए, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन, जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन पहुंचे, अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत, बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत, और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख, ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। सीरियसली गाइस, सो गाइस बात करी जाए सॉन्ग की तो गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग सॉन्ग था, और रफ्तार बाजी आपको सैल्यूट। सबसे पहले बात करी जाए रफ्तार बाजी की तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग हो गया ये तो, देखा जाए तो हाँ। तो गाइस
सो गाइज जो इस गाने की एक एक लाइन थी गाइज काफ़ी डीप थी, और जो उसे मैसेज दिया गया गाइज बहुत अच्छा मैसेज है। पहली बात सबसे पहले बात करी जाए तो सॉन्ग के वीडियो की, तो वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी थी, एडिटिंग काफ़ी अच्छी थी, सालिम मर्चेंट की जो फीचरिंग थी, जो उनकी वॉइस का जो जो टोन था वो इतना इमोशनल चला गया था ना, तू फिर से आना, फिर अवतार बाजी का जो वर्स आता है भाई साहब वो अमेजिंग था, जो उसके अंदर लाइन्स बोली गई थी कि छे कूड़े के अंदर फेंक देता, मतलब जो लड़कियों के साथ होता है गाइज, ऑफकोर्स जो लड़कियों के साथ होता है पैदा होते हैं इनको समझदार, आप क्या करते हैं उनको कूड़े के अंदर फेंक देते, काफ़ी न्यूज़ आती है कि कहीं परिवार वाले जो सोसाइटी वाले लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो गाइज ये सोच हमको सुधारनी पड़ेगी, और ये सोच ऐसे नहीं सुधरेगी, सबको मिलके इस बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा गाइज, जो लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ घर में पैदा नहीं होना चाहिए लड़के, तो गाइज उसके लिए शायद ये मैसेज है, मैसेज उसी के लिए था कि, और गाइज जो कर्मा भाई का वर्ष आता उसके अंदर एक वो चीज़ बताई गई कि आज मैं हूँ जैसे मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं उस चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ, हर इंसान कुछ चाहता है जीवन के अंदर, तो गाइज मैं तो ये गाइज उसके अंदर कर्मा भाई ने ये बोला है कि जो चीज़ है आपके पास उसमें खुश रहो, क्योंकि आज मेरे को देख के भी कोई सीख रहा है, मतलब एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल कैसे दूँ, मतलब आज आपके जो सबसे पहली चीज़ तो आपको ऊपर वाले ने सही सलामत बनाया, जिनके पास किसी के हाथ में दिक्कत है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो बस आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, आज आपको ऊपर वाले ने पूरा काबिल बनाया तो उसका शुक्र मनाओ, तो ये चीज़ शायद कर्मा भाई के वर्ष में कहना चाह रहे थे कर्मा भाई। तो यही सीन है गाइस, आज जो बेचारे जिनके पास घर नहीं है तो वो घर के बारे में सोचते हैं कि उनके पास घर आ जाए, हर इंसान एक एक चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, तो जिनके पास जो उसी में खुश रहना सीख, कर्मा भाई ने एग्जांपल वही दिया, उनका सोचो जिनके पास कुछ नहीं है बेचारे, जो आपने देखा होगा बेचारे बच्चे जो आते जब भी आपके जाते हुए तो रास्ते में आपको मिलते तो क्या होता है, आप समझदार हो तो। सो ये गाना काफ़ी इमोशनल था और हार्ट टचिंग था, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जो गर्ल ने एक्ट करा सॉन्ग के अंदर वो भी काफ़ी अमेजिंग एक्ट था उसका देखा जाए तो, और सॉन्ग का जो कंसेप्ट था भाई साहब अमेजिंग। सो गाइज ये सॉन्ग को फर्स्ट टाइम मैं ये रेटिंग चालू कर रहा हूँ सॉन्ग के अंदर, तो इस सॉन्ग को फुल रेटिंग दूंगा, और अवतार बाजी ह्यूज रिस्पेक्ट भाई आपके लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत प्यारा आप जो लाए हो, और हमेशा से अवतार बाजी इस चीज़ के पीछे आवाज़ उठाते रहे, तो अवतार बाजी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। और अब आते हैं गाइज हमारे गिव अवे के ऊपर, सो गाइज मैं कर रहा हूँ टेन एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो जी वर्जन का गिव अवे। गाइज आपको गिव अवे के अंदर एंट्री करने के लिए सिंपली आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, ये रहा मेरा यूजर नेम समीर शेख एस्टोआर, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और गाइज लास्ट इस वीडियो को मेन शेयर करना है। सो गाइज यही पाँच चीज़ें जो आपको करनी है। सो गाइज वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, कौन से वीडियो पर रिएक्शन चेक लगा वो भी कमेंट करके बता देना, वीडियो देखना आपको बहुत शुक्रिया, ऐसी प्यार देते रहे, ऐसी प्यार बढ़ते रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, पीस आउट।